नमस्कार दोस्तों, आखिरी चरण के चुनाव से ठीक 6 दिन पहले और देश के आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के ठीक 6 दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेना नियम 1954 के नियम 16(1)(4) के तहत थल सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई से आगे 30 जून तक है। युद्ध का समय होता तो समझा जा सकता था, लेकिन अगर चुनावों के कारण सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो ये समझ में नहीं आया। किसी आईएएस पीसीएस अधिकारी पदाधिकारी का कार्यकाल चुनावों की वजह से बढ़ाया जाता तो ये तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन सेना अध्यक्ष का चुनाव से और राजनीति से क्या लेना देना। आचार संहिता भी सेना के मामलों को प्रभावित नहीं करती है। दोस्तों, इससे पहले जब देश पर युद्ध के बादल मंडराते रहते थे, तब बेवूर और फिर 1971 का युद्ध के बाद फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को सेवा विस्तार दिया गया था। बता दें कि जनरल मनोज सिंह पांडे 30 अप्रैल 2022 को अपनी नियुक्ति के बाद से सेना प्रमुख के पद पर हैं। वो अगले 6 दिन में रिटायर होने वाले थे। केंद्र सरकार की ओर से सेना प्रमुख मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनरल पांडे को सिर्फ 1 महीने का सेवा विस्तार देने का मतलब है कि ये एक अस्थायी कदम है। इसे मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गवर्नेंस की कमी को दर्शाता है। अगर ये अक्षमता नहीं है तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। साजिश का उनका अर्थ ये है कि अगर बीजेपी की इन चुनावों में हार हुई तो गद्दी पर बने रहने के लिए क्या ऐसा किया जा रहा है, ऐसी आशंका ओवैसी ने जताई है। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या कहते हैं, उसको भी आपको सुनना चाहिए। सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने से क्या मतलब है, क्योंकि चुनाव में तो सेना का कोई लेना देना नहीं होता है सर। एग्जैक्टली, सेना का मैंने कभी नहीं देखा कि कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट कभी अप्रूव नहीं करती कि आर्मी का हेड कौन होगा। ये आर्मी की यहाँ सीनियरिटी की वजह से होता है। जो सीनियर होता है वो होता है, यदि सीनियर 2 होंगे तो उसमें वो आर्मी का अंदरूनी मामला है। पहली बार मैंने देखा, जनरल मानेकशॉ का एक्सटेंशन हुआ था लेकिन बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी जी ने खुश होकर कहा था कि एक्सटेंशन दीजिए, और एक आध एक्सटेंशन का केस है लेकिन उसमें कुछ काम था। यह चुनाव की वजह से एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? हाँ। और ये कैबिनेट कैसा एक्सटेंशन दे सकती है? क्या इनको नैतिक अधिकार है? जब लोकसभा भंग हो गई है, इसको आप कैसे, आप केयरटेकर सरकार हो, इसके मायने बताइएगा सर। हाँ। इसके मायने बताता हूं, क्या आने वाले समय में, मैं बार बार बताता हूं कि 2 तरह की स्थिति हो सकती है। या तो 230, 235, 240 पे अटकने पर बीजेपी के अंदरूनी विद्रोह हो सकता है, इन दोनों गुजरातियों के जगह कोई तीसरी नई लीडरशिप आ सकती है, और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी तो ऐसे में क्या कोई नया एनडीए का गठबंधन हो सकता है, नया नेतृत्व कोई और अपने मित्र पक्ष अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि जो अटल जी के समय एनडीए का कुनबा है वो फिर से जीवित हो सकता है यदि कोई दूसरा इंसान आ जाए जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से अलग हो, तो सरकार बन जाएगी। और यदि बीजेपी में विद्रोही नहीं हुआ, बीजेपी में आवाज ही नहीं उठाई, क्या 230 240 पे नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो शपथ लेंगे? जब शपथ लेंगे तो फिर आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, 1 महीने का टाइम होगा, 1 महीने में बहुत हाथ पैर मारेंगे, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन भी लामा बंद हो गया कि किसी को बिल्कुल निकलने नहीं देना है, अब मजा देखनी है क्योंकि इनकी सरकार गिरनी है। ऐसे में वॉइस वोट से सरकार जितवा कर, क्योंकि पीठासीन अधिकारी इन्हीं का रहेगा, चंडीगढ़ का मेयर का जैसा मामला हुआ वैसा तो कुछ करने का बात नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ तो फिर इस देश में अनरेस्ट होगा। जो मैं बात बता रहा हूं अनरेस्ट होने की, ये मैं डरा नहीं रहा, छोड़ने की तैयारियां चल रही हैं, मैं वही कह रहा हूं। और ये जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं अशोक वानखड़े, इसके प्रज्ञा जी आपका या आपके चैनल का कोई लेना देना नहीं, जो मैं बोल रहा हूं इसकी वैयक्तिक रिस्पांसिबिलिटी मैं ले रहा हूं। यदि अल्पमत की सरकार पे बने रहना है और यदि सिविल अनरेस्ट हुआ तो फिर आपको उसको हैंडल करने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जिससे आपका अच्छा संबंध है?
फिर मैं कहता हूं, आदरणीय मनोज पांडे जी ने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया। वो जब आर्मी के चीफ थे तो इस देश की सीना हमेशा ऊंचा रखा, सर ऊंचा रखा। उनके आज तक के किए कामों के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सराहना करता हूं। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं मेरे देश के आर्मी नेवी एयरफोर्स पे गर्व करता हूं। वो आज भी गैर राजनीतिक है और राजनीति को घुसने नहीं देते, लेकिन ऐसा उसमें राजनीति प्रवेश करने लगे तो सवाल उठाना मेरा काम है और मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव चल रहे हैं। मैं ये समझता कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की धमकी दी जा रही है, चाइना के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, ऐसे क्रूशियल पीरियड में हम नहीं बदल सकते। लेकिन सर्वसामान्य स्थिति है, कोई बॉर्डर पे कहीं टेंशन नहीं ऐसे में। और दूसरी बात है, यदि बॉर्डर पे टेंशन होती तो चुनाव ही नहीं होते, चुनाव सामान्य स्थिति में हो जाते हैं। असामान्य स्थिति हो तो चुनाव भी नहीं होते, यदि चुनाव हो रहे मतलब सामान्य स्थिति है। ऐसे सामान्य चलते यदि एक आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आता है, और ऐसा नहीं कोई बाहर से कोई रिक्रूट करना पड़ता है यूपीएससी से, वहां सीनियरिटी है। इवन हमारे यहाँ जो सीडीएस जो होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन तीनों में से जो सीनियर होता है वो होता है, क्योंकि आर्मी में आधे आधे घंटे की ज्वाइनिंग की सीनियरिटी भी मानी जाती है। इसलिए मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स हमारे फौज के ऊपर अपेक्षा नहीं ले रहा हूं, मुझे गर्व है, मुझे इनकी मनीषा पे डर है। कहीं पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार की मंशा पर, सरकार के मनीषा पे, खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की, और खासकर ये जब उन्होंने कहा कि भाई अभी एक महीने का एक्सटेंशन देते कि समय नहीं, वो एक महीने का क्या डर है। नए सेना नए यदि आर्मी के अध्यक्ष आ जाते, एक आर्मी में चीफ क्या हो जाएगा सर? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, एक महीने में क्या हो सकता, मैंने वही तो कहा। क्या अल्पमत में ये सरकार बनाएंगे? और अल्पमत में सरकार बनने पे यदि देश में, मैंने इसी पे आया मैं, क्योंकि जब मैं ये आशंका जाहिर करता हूँ कि देश में अनरेस्ट होगा, सिविल अनरेस्ट होगा, तो ये कहना भी कल आरोप लग सकते हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ, इसमें उल्टा चश्मा या प्रज्ञा जी का कोई राहत नहीं। लेकिन ये आशंका मेरी इसलिए है क्योंकि मैं चुनाव देख रहा हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है चुनाव, जनता लड़ रही है, जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां गाड़ियां मिल नहीं रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है, ऐसा होते हुए भी लाखों के तादाद में यदि लोग रैली के लिए आ रहे हैं तो लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं, अपने बलबूते पे आ रहे हैं। इसको कहते हैं कि चुनाव लोग खुद लड़ रहे हैं। जब लोग चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो फिर ऐसे में जब लोग देखेंगे कि चुनाव में हमने पूर्ण बहुमत नहीं देने के बाद भी यदि ये जबरदस्ती सत्ता में बना रहता है तो फिर अनरेस्ट होता है। तो क्या वो अनरेस्ट को दबाने के लिए आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस चाहिए? इसलिए आपने सोचा कि एक महीना एक्सटेंशन दे दूंगा, क्योंकि आर्मी चीफ ऑलरेडी उनको जानते हैं, आर्मी चीफ का स्वभाव वो जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ उनको साथ देंगे, हो सकता है कि मनोज पांडे कह देंगे कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन चांस लेने में कोई चांस नहीं छोड़ते, ये भी आपने देख लिया। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि चुनावों के बाद सरकार नए चीफ के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि नए नौसेना प्रमुख के नाम का ऐलान भी चुनावों के दौरान ही हुआ था। सेना में ज्यादातर समय परंपरा यही रही है कि वरिष्ठ अधिकारी को ही चीफ बनाया जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक बार आर्मी चीफ और नेवी चीफ में वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर को चीफ बनाया था। इससे पहले भी इस परंपरा को एक दो दफा तोड़ा गया था। चलिए इस वीडियो में तो इतना ही, चलते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी ताकत को और मजबूत कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।